हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो आपका टॉपिक है स्टैटिक अवेयरनेस, उसमें निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़ जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडियन सिटीज़ के नेम दिए गए हैं, उसके बाद स्टेट दिए गए हैं ये सिटी कौन से स्टेट में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज़ मेंशन किए गए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है, विच सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पिंक सिटी। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो पिंक सिटी जो है वो किस सिटी को बोला जाता है, जयपुर को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, पिंक सिटी जो है वो जयपुर को बोला जाता है और इसका स्टेट कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू सिटी किस सिटी को बोला जाता है, तो ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर को बोला जाता है और जोधपुर को सन सिटी भी बोला जाता है। तो ये दो निकनेम हो गए जोधपुर के, ये आपको याद रखना है। इसका स्टेट कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद है उदयपुर, तो उदयपुर को यहाँ पर बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है उदयपुर को। उसके बाद सिटी ऑफ लेक्स जो है वो भोपाल को भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश जो इसका स्टेट है। तो वहाँ पे आप ऑप्शन देख के टिक करोगे, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई एक तो आप उसको टिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस सिटी को बोला जाता है, अहमदाबाद को बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोस्टन ऑफ इंडिया, तो बोस्टन ऑफ इंडिया जो है वो अहमदाबाद को ही बोला जाता है, जिसका स्टेट हो जाएगा गुजरात। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज, तो इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है वो अहमदाबाद को ही बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अहमदाबाद के ये चार यहाँ पे निकनेम हो गए, सॉरी यहाँ पे तीन निकनेम हो गए अहमदाबाद के। उसके बाद है यहाँ पे सूरत, तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसका स्टेट हो जाएगा गुजरात। गुजरात में ये सिटी है सूरत, जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके बाद है सिटी ऑफ नवाब्स, तो सिटी ऑफ नवाब्स जो है वो किसको बोला जाता है, लखनऊ को बोला जाता है। लखनऊ नवाबों का शहर, आपने सुना होगा, तो उत्तर प्रदेश स्टेट में ये शहर है। उसके बाद है द लैंड ऑफ लीची स्वीट सिटी, द लैंड ऑफ लीची स्वीट सिटी जो है वो मुजफ्फरपुर को बोला जाता है, जो कि बिहार स्टेट में स्थित है। मुजफ्फरपुर को बोला जाता है लैंड ऑफ लीची स्वीट सिटी। उसके बाद है यहाँ पे द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कानपुर को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है, कानपुर को बोला जाता है द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है यहाँ पे द सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड, वो मुंबई को बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई को बोला जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई को बोला जाता है। तो मुंबई के ये आपके निकनेम होंगे तीन, यहाँ पे आप देख सकते हो सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड ये मुंबई को बोला जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई को बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भी मुंबई को बोला जाता है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डेक्कन क्वीन, तो डेक्कन क्वीन जो है वो पुणे को बोला जाता है, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो ये आप देख सकते हो डेक्कन क्वीन जो है वो पुणे को बोला जाता है, महाराष्ट्र स्टेट में जो कि स्थित है। उसके बाद है यहाँ पे ऑरेंज सिटी, तो ऑरेंज सिटी जो है वो नागपुर को बोला जाता है, ये महाराष्ट्र स्टेट में है, ये आपको याद है। उसके बाद यहाँ पे बनाना सिटी जो है वो जलगांव को बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, बनाना सिटी जो है वो जलगांव को बोला जाता है। उसके बाद है कॉटन सिटी, तो कॉटन सिटी जो है वो बोला जाता है यवतमाल सिटी को, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। उसके बाद है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो नासिक को बोला जाता है, नासिक सिटी को आपको याद रखना है, नासिक शहर को बोला जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये इसका स्टेट है। उसके बाद स्पेस सिटी जो है वो बेंगलुरु को बोला जाता है, जो कि कर्नाटका में है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बेंगलुरु को। सिलिकन वैली ऑफ इंडिया ये भी बोला जाता है बेंगलुरु को। और साइंस सिटी भी बोला जाता है बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु के यहाँ पे चार निकनेम है, ये आपको याद रखना है, स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया और सिलिकन सिटी, सॉरी साइंस सिटी। तो ये यहाँ पे बोला जाता है बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटका स्टेट में है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है रोम ऑफ द ईस्ट, तो रोम ऑफ द ईस्ट जो है वो मैंगलोर को बोला जाता है, जो कि कर्नाटका में है, तो ये कर्नाटका स्टेट में है। उसके बाद यहाँ पे
कैडल ऑफ इंडियन बैंकिंग तो ये बोला जाता है मैंगलुरु को, ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटका स्टेट में है ये। मैंगलुरु को बोला जाता है क्रैडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। उसके बाद यहाँ पे है स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो है वो क्रूक को बोला जाता है, ठीक है, क्रूक को बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो कि कर्नाटका स्टेट में है। उसके बाद है सैंडलवुड सिटी, तो सैंडलवुड सिटी जो है वो मैंसूर को बोला जाता है जो कि कर्नाटका स्टेट में है। उसके बाद सिटी ऑफ जॉय जो है वो बोला जाता है कोलकाता को जो कि वेस्ट बंगाल में है। सिटी ऑफ पैलेसेस वो बोला जाता है कोलकाता को, तो सिटी ऑफ पैलेसेस जो है वो और सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है कोलकाता को, ये आपको याद रखना है, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है। उसके बाद यहाँ पे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, तो लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड जो है वो बोला जाता है अनसेंसो सिटी को जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये आपको याद रखना है, अनसेंसो सिटी को बोला जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे सिटी ऑफ डेस्टिनी जो है वो बोला जाता है विशाखापट्टनम को, ये आपको याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है, तो ये भी तो सिटी ऑफ डेस्टिनी जो है वो विशाखापट्टनम को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है गोवा ऑफ द ईस्ट, तो गोवा ऑफ द ईस्ट जो है वो भी विशाखापट्टनम को ही बोला जाता है जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है। उसके बाद है सिटी ऑफ पर्ल्स, तो सिटी ऑफ पर्ल्स जो है वो हैदराबाद को बोला जाता है जो कि तेलंगाना में है। हाईटेक सिटी जो है वो भी हैदराबाद को ही बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, हाईटेक सिटी पूछा जाए तो हैदराबाद हो जाएगा और जो कि तेलंगाना स्टेट में है। उसके बाद हो जाएगा क्वीन ऑफ अरेबियन सी, तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो है वो बोला जाता है कोची को जो कि केरला स्टेट में है, ये आपको याद रखना है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। सिटी ऑफ स्पाइसेस जो है वो बोला जाता है कोझीकोड को जो कि केरला स्टेट में है। उसके बाद है गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया थ्रिशूर सिटी को जो कि केरला में है, ये आपको याद रखना है, तो गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो थ्रिशूर सिटी को बोला जाता है। उसके बाद है कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो कि बोला जाता है कोलम सिटी को जो कि केरला में है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, तो सिटी ऑफ फेस्टिवल्स जो है वो मदुरई को बोला जाता है जो कि तमिलनाडु में है, और यहाँ पे एंथेंस ऑफ द ईस्ट ये भी मदुरई को बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है, दो यहाँ पे निकनेम हो गए मदुरई सिटी के। उसके बाद है यहाँ पे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया जो कि बोला जाता है चेन्नई सिटी को, ये आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया जो कि चेन्नई सिटी को बोला जाता है। उसके बाद डिट्रॉइट ऑफ एशिया, तो डिट्रॉइट ऑफ एशिया भी चेन्नई को ही बोला जाता है जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। उसके बाद है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को बोला जाता है जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। उसके बाद पेरिस ऑफ द ईस्ट जो है वो बोला जाता है पोंडीचेरी को, तो पेरिस ऑफ द ईस्ट जो है वो बोला जाता है पौंडीचेरी को, ये आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया वो कश्मीर को बोला जाता है, कश्मीर सिटी को, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है कश्मीर, आप लोगों को पता होगा, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है कश्मीर को। उसके बाद स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है जमशेदपुर को जो कि झारखंड में है। उसके बाद है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया जो है वो भी जमशेदपुर को ही बोला जाता है जो कि झारखंड में है। उसके बाद टेंपल सिटी ऑफ इंडिया जो है वो भुवनेश्वर को बोला जाता है जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद द सिल्वर सिटी, तो द सिल्वर सिटी जो है वो कटक को बोला जाता है जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, तो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट जो है वो बोला जाता है शिलोंग सिटी को जो कि मेघालय में है। उसके बाद है रूर ऑफ इंडिया, तो रूर ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है दामोदर वैली को। उसके बाद है ट्विन सिटी, तो ट्विन सिटी बोला जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। उसके बाद है गोल्डन सिटी, तो गोल्डन सिटी बोला जाता है अमृतसर को जो कि पंजाब में है। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज जो कि आपके RBI ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको सिंपली याद कर लेना है, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।